हेलो दोस्तों, आपका लेक्चर नंबर 6 है बीएससी 4 सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आपका जो पार्ट ए बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी का आपका एक चैप्टर है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोफिशियंट्स, उसका आपका ये लेक्चर नंबर 6 है। इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जिस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिया इसको मैं 5 स्टार रेटिंग दूंगा, क्योंकि यह क्वेश्चन 2012, 2011, 2015 तीनों ईयर्स में पूछा गया है, तो संभवतः क्या पता कि 2023 में भी पूछ लिया जाए। और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम बेस पर। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में, आइए इसको सॉल्व करते हैं। कि सॉल्व द इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस टू डी डी डैश प्लस डी स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर है यहाँ पे इंटू में जेड इज इक्वल टू 12x इंटू वाई। इसका आपको कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड करना है, जो कि कंप्लीट सॉल्यूशन जेड इज इक्वल टू क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई। अब आपको पहले तो सी एफ निकालना होगा, फिर पी आई निकालना होगा। सी एफ क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। पी आई क्या होता है, पार्टिकुलर इंटीग्रल्स होते हैं। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम सी एफ फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आपका क्या है इक्वेशन, डी स्क्वायर माइनस टू डी डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर इंटू में क्या है z है इज इक्वल टू क्या है 12xy। अब मैंने आपसे क्या बताया था कि आपको इस इक्वेशन का क्या निकालना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लेट कर सकते हो यहाँ पे। और ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते टाइम मैंने आपको बताया था जहाँ कैपिटल D होगा वहाँ पे हम स्मॉल m पुट करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस टू डी के प्लेस पर एम पुट करेंगे, डी डैश के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, तो आपका माइनस का 2m ही बचेगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, इसी को हम बराबर लिख लेते हैं 0। और इसी का हम फाइंड करते हैं यहाँ पे m का रूट्स, और वही रूट्स को हम सी एफ वाले इक्वेशन में रखेंगे तो आपको सी एफ प्राप्त हो जाएगा। यही देखिए आपका क्या है, ये आपका m माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसको आप ब्रेक करेंगे तो आपको एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए m माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर m के दो रूट्स आएंगे जो कि होंगे प्लस 1 और प्लस 1। अब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जब आपके m1 और m2 सेम आ जाए तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, आइए यहाँ पे लिखते हैं सी एफ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5m ब्रेकेट में y प्लस m1x होता है, जो कि m1 क्या है 1 है। एक x बाहर करते हैं जब दो वैल्यू सेम होता है, यहाँ पे लिखते हैं फाइव टू वाई प्लस एम टू एक्स जो कि हो जाएगा y प्लस x। तो ये आपका निकल गया है सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हमें निकालना है पी आई, नाउ यहाँ पे लिखेंगे पी आई इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपको जो फंक्शन 12xy दिया गया इसको ऊपर लिखते हैं और इसी के अपान में डी वाले टर्म को डी स्क्वायर माइनस टू डी डैश इंटू में डी है और प्लस डी डैश स्क्वायर। अब यहां से देखिए हम क्या करते हैं, 12 को आप इस साइड ले आइए, 1 अपॉन यही आपका क्या है, ये आपका है d माइनस डी डैश का होल स्क्वायर और इंटू में क्या है अभी x इंटू वाई है। अब देखिए इसके आगे हम सॉल्व करेंगे बाय द जनरल मेथड ऑफ पी आई जो हम फाइंड करते हैं, तो जनरल मेथड यहाँ पे अप्लाई करते हैं। y के प्लेस पर हम c माइनस एम एक्स पुट करते हैं 1/1 स्टेप में। अब यहाँ पे देखिए इसका होल स्क्वायर है, इसको हम एक तो पहले बाहर कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 12 अपॉन में d माइनस डी डैश और ब्रैकेट में 1 अपॉन d माइनस डी डैश, क्योंकि पावर 2 था इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, इंटू में क्या है x इंटू वाई, इसको आप ऐसा लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए आपका जो फंक्शन है वो x इंटू वाई है और यहाँ पे आपका जो स्मॉल m है वो आपको 1 के बराबर है इस वाले टर्म में, क्योंकि आपका ये m माइनस 1 ही तो लिखा गया है, d डैश तो 1 होता है, d आपका m होता है, तो m माइनस 1 इसका रूट्स क्या निकलेगा 1 निकलेगा, तो m इज इक्वल टू 1। अब जहाँ पे y होता है उसके प्लेस पर हम c माइनस x पुट करते हैं, तो आइए इसको देखते हैं,
ये आपका हो जाएगा 12 अपान में डी माइनस डी डैश। इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, एफ ऑफ एक्स कामा वाई, वाई के प्लेस पर मैं सी माइनस एम एक्स पुट करूंगा, ये हो जाएगा सी माइनस एम क्या है 1 है इंटू में एक्स, तो सी माइनस एक्स और इंटू में क्या होगा ये आपका डी एक्स ही रहेगा। अब देखिए आपका जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स कामा वाई है ये आपका क्या है एफ ऑफ एक्स कामा वाई, बट जब आप यहाँ पे y की प्लेस पर c माइनस एक्स पुट कर दोगे तो ये वाला फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा x ब्रैकेट में c माइनस x में चेंज हो जाएगा। आइए उसको लिखते हैं, ये आपका हो जाएगा 12 d माइनस डी डैश और ये आपका इंटीग्रेशन x ब्रैकेट में y है तो y की प्लेस पर c माइनस x पुट करेंगे और इंटू में आपका ये हो जाएगा dx। अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करके इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 12 अपॉन में डी माइनस डी डैश। एक बार और इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, एक्स का मल्टीप्लिकेशन सी के साथ सी एक्स, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और इनटू में आपका हो जाएगा डी एक्स। आइए इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 12 अपॉन में d माइनस डी डैश, सी कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, x का करोगे तो आपको एक्स स्क्वायर बाई टू मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे तो माइनस एक्स क्यूब अपान में थ्री मिलेगा और ये आपका ब्रेकेट क्लोज। अभी देखिए आपने ऊपर क्या पुट किया था, y के प्लेस पर आपने c माइनस एक्स पुट किया था, जब आप यहाँ से c निकालोगे तो आपको c क्या मिलेगा y प्लस एक्स मिलेगा, तो c आपका जो y प्लस एक्स मिला है इसको हम इसमें पुट करते हैं, ये आपका बन जाएगा 12 अपान में d माइनस डी डैश एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू में c है तो c के प्लेस पर x प्लस वाई या फिर y प्लस एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब अपान में थ्री। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या होगा, इसको आपको सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू का मल्टीप्लीकेशन एक्स के साथ फिर प्लस लगा के वाई के साथ और माइनस इसमें से आप घटा दोगे एक्स क्यूब अपॉन में थ्री। तो देखिए आपको इसके बाद कई स्टेप में क्या चीज़ मिलेगा, आइए मैं उसको नोट करता हूँ। यहाँ पे देखिए आपके पास बचेगा 12 अपॉन में डी माइनस डी डैश, ब्रेकेट में आपको मिलेगा एक्स क्यूब अपॉन में सिक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन में टू। अब यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया है, एफ ऑफ एक्स कामा वाई आपका किसके बराबर है, वो आपका बराबर है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कामा वाई एक्स क्यूब अपॉन में सिक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में वाई अपॉन में टू। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपका जो डी माइनस डी डैश है यहाँ पर अगर हम फाइंड करें स्मालियम तो स्मालियम यहाँ भी आपका वन के बराबर ही है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे बाई द जनरल मेथड, तो ये आपका क्या हो जाएगा 12 अपान में डी माइनस डी डैश और ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स कामा वाई, बट वाई के प्लेस पर हम सी माइनस एम एक्स पुट करेंगे तो सी लिखेंगे माइनस एम इंटू एक्स, वन इंटू एक्स मतलब एक्स ही होगा। अभी आपका जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स वाई ये था, लेकिन अगर आप उस रूप में इसको भी देखें एफ ऑफ एक्स कामा सी माइनस एक्स, अर्थात जहाँ पे इसमें y है उसके प्लेस पर हम c माइनस एक्स पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा x x तो सेम ही रहेगा बट जहाँ पे y है वहाँ पे हम c माइनस एक्स पुट करेंगे। आइए इसको पुट करते हैं, इसका इंटीग्रेट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो वही लास्ट में आपका pi हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12 इंटीग्रेशन x क्यूब अपान में 6 ये आपका है एक्स स्क्वायर अपान में टू इंटू में वाई, तो वाई के प्लेस पर हम यहाँ पे सी माइनस एक्स पुट करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे टोटल का डी एक्स, तो ये आपका बन जाएगा 12 इंटीग्रेशन और इसको आप सॉल्व करोगे मल्टीप्लिकेशन करके तो आपको यहाँ पे मिलेगा माइनस एक्स क्यूब अपान में थ्री प्लस सी एक्स स्क्वायर अपान में टू। अब आइए इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं,
तो ये आपका हो जाएगा 12 बाहर ही रहेगा, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ब्रैकेट के अंदर, देखिए आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे माइनस लगा, इसको लगे रहने दीजिए, एक्स क्यूब का एक्स की पावर 4 हो जाएगा और अपान में 4 इंटू में 3, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 12। प्लस सी लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का आपका हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3, लेकिन यहाँ पर 2 पहले से है, 3 इंटू 2 ये आपका हो जाएगा 6। अभी देखिए आपने y इज इक्वल टू क्या पुट किया था, c माइनस x पुट किया था, तो यहाँ से c निकाले तो आपको x प्लस वाई चीज मिलेगा। अब यही वाला c का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 12 अपान में समथिंग कुछ नहीं है, यहाँ पे x की पावर 4 अपान में 12 प्लस ये आपका x की पावर 3 अपान में 6 इंटू में c है, तो c के प्लेस पर x प्लस वाई चीज यहाँ पे पुट करेंगे और ब्रेकेट क्लोज करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 2 ब्रेकेट में एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब इंटू में वाई, या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स की पावर 4, क्योंकि आपका 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x की पावर 4 से माइनस एक्स की पावर 4 कैंस सब्सट्रैक होगा, तो आपको x की पावर 4 मिलेगा और ये आपका हो जाएगा 2 इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई, तो ये आपको मिल गया है PI। अब दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए, CF और PI को, तो यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दस, इस प्रकार आपका जो कंप्लीट इंटीग्रल या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन आप कह सकते हो ऑफ 1 का इज आपको मिलेगा जेड इज इक्वल टू CF प्लस PI। अब आपको यहाँ पे CF भी पता है, PI भी पता है, दोनों को आपस में लिख दीजिए ऐड करके, तो आपके पास CF क्या निकला था, 51 ब्रेकेट में y प्लस x और यहाँ पे x इंटू में 52 ब्रेकेट में y प्लस x मिला था आपको, और यहाँ पे आया था आपका x की पावर 4 प्लस 2 एक्स क्यूब अपा इंटू में 3, ये आपका यहाँ पे क्यूब है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन इन दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये चीज़ पसंद आया होगा बाय द जनरल मेथड, क्योंकि बहुत ईजी है और इसी पर बेस्ड हम सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा लॉन्ग में जाता है बट बहुत ही आसान है, आप स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। एक दो क्वेश्चन आप अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके बाद भी हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब तक क्या आपको अच्छे समझ नहीं आ जाता। और अभी 2 से 4 क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे, फिर आपको ये जो आपका लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको आपको टेस्ट के लिए भी इसमें से क्वेश्चन दिया जाएगा, के बाद जो भी आपका मेथड है वो चीज़ हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। चलिए फिर इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, यदि आपको लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।